बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। सबसे पहले खामोशी, खामोश। अहम बातें करनी है आप सबसे, जरा आराम से, आराम से, आराम से। मुझे अंदाजा है आपके जोश और जुनून का, लेकिन थोड़ी सी खामोशी ताकि मेरी आप बातें सुने। अली जैदी, सबसे पहले आपको और आपकी टीम को, जो अभी आपने सिंध का दौरा किया, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। हमें सबको आपके दौरे से एक चीज वाजे हो गई कि सारे पाकिस्तान में जो खत्ता सबसे ज्यादा तब्दीली चाहता है वो सिंध है। सिंध के लोग आजादी चाहते हैं ये डाकू जरदारी से, और इंशाअल्लाह आपने तो दौरा कर लिया, अली जैदी और शाह महमूद आप भी थे उनके साथ। अब अगले बारी मैं आ रहा हूं अंदरून सिंध का दौरा करने के लिए आपके साथ। मेरी अब मिशन है कि जो जुल्म सिंध के लोगों से हो रहा है, ये जो 14 साल जरदारी माफिया ने सिंध के साथ किया है, मैं सिंध, अंदरून सिंध के लोगों को खास तौर पे आज पैगाम देना चाहता हूं कि आजादी का वक्त इंशाल्लाह आ गया है। उसके बाद कराची के लोग, कराची के लोगों के लिए एक तो मैं आप सबको केसीआर की मुबारक देता हूं, क्योंकि केसीआर अभी बनने वाली है, अभी तो ग्रीन लाइन, खैर उसकी मुबारक देता हूं, ग्रीन लाइन आ चुकी है, लेकिन अभी जो हमारा कराची का पैकेज आपके सामने आता जाएगा, और मेरा ये यकीन है कि कभी कराची में किसी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कभी वो काम नहीं किए जो इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। मुझे अपनी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स उन्होंने हमारी हुकूमत को दिया, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, और उसकी वजह से हमें तौफीक मिली कि हम अपनी आवाम के ऊपर बोझ कम करें। हमने 20 रुपए, 20 रुपए पेट्रोल और फजलुर रहमान को कम किया, डीजल सस्ता किया 5 रुपए यूनिट, बिजली सस्ती की, जब दुनिया में दोनों की कीमतें ऊपर जा रही हैं। आज आपको हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। दुबई में अपनी उनकी जमीन से तेल निकलता है, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, उसके बावजूद क्योंकि मेरी कौम ने मुझे रिकॉर्ड टैक्स दिया, मैंने उसका टैक्स का फायदा अपनी कौम को पहुंचाया और महंगाई से आपको बचाया। और उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क सही रास्ते पे निकल गया है। जब तक एक मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होता, तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस, और 4 फसलों की सबसे ज्यादा पैदावार हमारे दौर में पिछले साल हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क सही रास्ते पर निकल गया।
और शायद इसीलिए ये जो डाकुओं का गुलदस्ता है इनको खौफ आना शुरू हो गया है कि ये हर मुश्किल से ये गम्मत निकलती गई। पहले दिवालिया निकाला, दिवालिया वाली हुकूमत मिली, बैंकक्रप्ट, उससे मुल्क को बचा लिया। फिर सदी में एक दफा इतना बड़ा बुरान आता है जो कोरोना वायरस का आया, अल्लाह ने उसे हमें निकाल दिया। उसके बाद अफगानिस्तान का मसला आया, उसकी वजह से या डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ा क्योंकि डॉलर उधर जाना शुरू हो गया अफगानिस्तान की फिजा की वजह से, कि एक खौफ था लोगों को कि हालात क्या बिगड़ेंगे, डॉलर लिए लोगों ने, तो यहां प्रेशर पड़ा हमारे पे, उससे अल्लाह ने हमें बचाया। फिर अब यूक्रेन, इसकी वजह से और ज्यादा गंदम ऊपर, तेल ऊपर, कोयला ऊपर, गैस ऊपर, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने अपनी कौम को इन सारी चीजों से बचाया है। तो अब आज जो मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं, मेरे बाशऊर कारकुनों, अब जरा आराम से सुने। इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक चलाई, अदम एतमाद का इन्होंने असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। मैं आज अपनी टीम को बता रहा था कि इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। असल में सुने सुने, देखे एक 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 कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये चोरों के टोले की जो इंशाल्लाह मैं ऊपर वाले के ऊपर इतमाद है, इनकी जो सियासी मौत आई है इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। मेरे कराची, एक मिनट कराची के, सुनो तो सही, सुनो 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 सुनो, कराची के कारकुनों, देखो आपका जो चेयरमैन है पार्टी का, उसको दुनिया की क्रिकेट की तारीख में 5 या 6 टॉप कप्तानों में माना जाता है। सुने 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 अभी, और क्यों माना जाता है? क्योंकि क्रिकेट में कप्तान की कामयाबी का राज क्या होता है कि वो पहला दिन जब टेस्ट का शुरू होता है तो तब से वो प्लानिंग करता है कि दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, चौथे दिन और पांचवें दिन मैच उसने कैसे जीतता है। अगर उसमें ये सलाहियत ना हो वो कामयाब कप्तान नहीं बन सकता। तो मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था ये चोरों के टोले की, ये डाकुओं की, 25 साल से जद्दोजहद कर रहा हूं, 25 साल से इन चोरों के खिलाफ मैं जहाद कर रहा हूं। ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, जहाद कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क के लिए इन चोरों के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो मैं, अब जरा सुने, अब मैं इंतजार कर रहा था कि ये हर 2 महीने के बाद चोर इकट्ठे होते हैं, जी आज गवर्नमेंट गई, कल गई, धरना हुआ, धरना उठा, लॉन्ग मार्च हुई। तो मैं ये 3.5 साल से मुल्क को संभाल रहा था जो चोरी और दिवालिया निकाल के अरबों डॉलर चोरी करके ये मुल्क का बाहर लेके गए, तो हम उस मुल्क को संभाल रहे थे। लेकिन हर 2 महीने के बाद जी अब गवर्नमेंट गई, कल गई। तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना मेरे, इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। तो अब अल्लाह सुने सुने तो सुने तो से, लोग
अल्लाह सुने सुने सुने, अल्लाह मेहरबान है, रहमान और रहीम है। एक इंसान जो अल्लाह से मांगता है अपनी कौम के लिए, उसकी ज्यादा दुआएं सुनता है। तो ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी ली और मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद की वो दर्ज कर दे। अब क्या होगा, अब जरा सुने, मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये उधर आ गए हैं, ये उधर फंस गए हैं। जिधर ये सिर्फ उधर फंसे नहीं है ट्रैप में, ये उधर नहीं फंसे कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, कभी ये मसला, कभी दुनिया का, जिस तरह मैंने बताया कोरोना आ गई तो लॉकडाउन हो, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। और मैंने सुने, जरा सुने, पहला मेरा टारगेट होगा, जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की निशस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। ये आदमी, ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, चोरी करता है, जरदारी सिस्टम में ये हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है, आसिफ जरदारी तुम्हारा वक्त आ गया। अब हर जगह ये पीछे फिरता है, पैसे के टोकरे लेके 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। मुझे एक आदमी ने, मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी, मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो, और उसके बाद कोई पनागा खोल देना, कोई लंगर खोल देना, कोई यतीम खाना खोल देना, सवाब मिलेगा तुम्हें। लेकिन जरदारी, ये जो तुम, जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा मकसूद चपरासी वाला, कौन है वो मकसूद चपरासी वाला? मकसूद चपरासी वाला शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। अब वो जो खींचता गया जी, मेरी हर रोज जब केस हो, मुझे कभी कोरोना हो जाता है, कभी उसका वकील नहीं आता, कभी कमर में दर्द हो जाती है, लेकिन मकसूद चपरासी वाला तुम्हारा टाइम भी आ गया है, तुम्हारा भी, तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में जाओगे, और जो तुमने अरबों रुपया इस मुल्क के बाहर अपने बेटे को बाहर बैठाया हुआ है, अपने दामाद को बाहर बैठाया हुआ है, फिक्र ना करो, उनको उससे पैसा हम वापस लाके बिजली की कीमत और कम करेंगे। और फिर इनके साथ मिल गया है डीजल। सुने जरा, अब ये सुने, अब ये तीन
अब इन तीनों की शक्लें देखो, ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। ये चोर जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। और फजलू फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल तो देखे, इज्जत जिल्लत ऊपर वाला देता है। अब देखे, एक दीनी आदमी जो कभी भी दीनी आदमी को तो अल्लाह अल्लाह की वो बातें करता है, अल्लाह को तो उसको इज्जत देनी चाहिए, इसका नाम लो तो लोग डीजल डीजल की आवाजें लगा देते हैं, शर्म की बात है। तो फजलू मिस्टर डीजल तुम भी तैयार हो जाओ। इसने कहा, जब इसको नैब ने बुलाया, इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं, पता नहीं किधर से आए क्योंकि काम तो ये कोई करता ही नहीं है। तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने, फजलू तैयार हो जाओ, ये जब फेल होगी, ये जब आपकी फेल होगी और इंशाल्लाह होगी, तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1,00,000 लोग मैं लेके आऊंगा। तुमने इस मुल्क का दीन का काफी, हमारे मैं अभी सुने इंशाल्लाह, अभी मैं जुमे को दीर जा रहा हूं, दीर के लोगों ने मुझे बुलाया हुआ है। इतवार को मैं पंजाब में हाफजाबाद जा रहा हूं। मैं अपनी कौम को, सारी कौम को बताऊंगा कि ये जो चोरों का टोला है, इसके खिलाफ जंग इमरान खान अकेले की नहीं है, हर बच्चे बच्चे की जंग है इन चोरों के खिलाफ। हर पाकिस्तान की, चाहे औरत हो, चाहे मां हो, चाहे बाप हो, हम सब ने ये जो 30 साल इस मुल्क से करते रहे हैं, हमने सब ने मिलके इनको इनको उधर पहुंचाना है जिधर इनको बहुत देर से पहुंचना चाहिए था, पाकिस्तान के जेलों के अंदर। और आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद चीनी उगता है, खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे ये नहीं पता कि लड़की आता है या आती है, इसे ये भी नहीं पता अभी तक। और ये टोला, ये चोरों का टोला मुल्क को बचाने के लिए निकला है। ये उधर आ गए। फिर से मैं कहता हूं, जब इन करप्ट चोरों की मौत आती है तो ये आज असेंबली की तरफ जो आ रहे हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। और इंशाल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कराची के लोगों, इंशाल्लाह ये मुल्क एक बड़े अजीम ख्वाब का नाम है। इस मुल्क बनने के ऊपर जो नारा लगा था वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते। और ये डाकू जिन्होंने पैसे चोरी करके बाहर रखे हुए हैं, ये हर बाहर से ताकतों के सामने ये झुकते रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर 400 ड्रोन अटैक्स हुए 10 सालों में, जब ये जरदारी और नवाज शरीफ इक्तदार में थे। एक दफा ये नहीं बोले, कौन बोला था,
तहरीक इंसाफ निकली थी, हमने यहां धरने किए थे ड्रोन्स के खिलाफ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिन खुदाओं की पूजा उनकी करते हैं जिधर इनका पैसा पड़ा है, चोरी का पैसा इनका उन मुल्कों में पड़ा हुआ है, ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात के लिए खड़े नहीं होंगे। मैं हमेशा समझता हूं कि पाकिस्तान को सबसे दोस्ती करनी चाहिए, किसी मुल्क के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं किसी मुल्क को यह इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी कौम के मफादात के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करे। इनका जिनका पैसा बाहर पड़ा है, ये आज बड़ा बोल रहे हैं जी, ओहो इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर कुछ कह दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ उनको याद कराया है कि जब हमने आपके साथ आपकी जंग में शिरकत की थी, हमारे 80,000 लोगों ने कुर्बानियां दी थी, हमारे मुल्क में कबाली इलाका हमारा तबाह हो गया था, हमारे लोगों ने नकल मकानी की थी, 35 लाख लोगों ने। मैं इनको सबको याद कराता हूं कि हमने कुर्बानी दी थी, हमारी किसी ने ना अप्रिशिएट किया ना हमें हमारा शुक्रिया अदा किया। तो आप जब कहते हैं कि आप हमके सब साथ फिर मिल जाएं, मैं सिर्फ तब मिलूंगा जब भी आप अमन के लिए निकलेंगे, मैं अमन के में आपके साथ आऊंगा, लेकिन किसी जंग में आपका साथ नहीं दूंगा। शुक्रिया।